आपके साथ शमशेर शेख। आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं साई न्यूज़ 24/7 लाइव, सच की आवाज। आइए आपको रूबरू करवाते हैं कुछ अहम खास मुद्दों पर। सबसे बड़ी खबर, पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। प्रयागराज के कमिश्नरेट थाना शंकरगढ़ क्षेत्र में पिछले 6 अगस्त से लापता छात्रा की लाश घर के पास तालाब में तैरती हुई मिली थी। घर वालों ने अपहरण के बाद हत्या की आशंका जताई थी। रिया जायसवाल बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। उनके पिता राकेश जायसवाल ने बताया कि रिया की शादी तय थी 15 दिसंबर को, चाकघाट से बारात आनी थी, 15 जुलाई को सगाई हो गई थी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर देने पर सचिन नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वही परिवार के सदस्यों का कहना है कि पुलिस इसमें लापरवाही कर रही है और किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दे रही है। मेरी बच्ची को मारकर फेंक दिया है। इसमें आशंका है कि उनके पड़ोस में ही रहने वाला सचिन, जो पिछले महीने रिया से छोटी बहन को इसी तरीके से अगवा किया था, वही शक के आधार पर पुलिस ने सचिन को गिरफ्तार कर कार्रवाई के लिए ले गई। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सामूहिक बलात्कार करने की पुष्टि की है। ऐसे में रिया के परिवार वालों का कहना है कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम कमिश्नर प्रयागराज का घेराव करेंगे। अगर वहां पर भी हमें न्याय नहीं मिला तो हम अपने पूरे परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। प्रयागराज से फैज हसन की रिपोर्ट। मेरी बेटी रात को 9 बजे टहल रही थी, संडे को रात को हम लोग सो गए। इसके बाद कल यहाँ से बस टहल रही थी, इसके बाद उसको कौन कहाँ उठा ले गए हम लोग नहीं जान पाए। मेरी बेटी को कोई मार के फेंक दिया, बगल तालाब है वहीं पे फेंक दिया। हम लोग को जब रात में नींद 2 बजे खुली, देखे तो मेरी बेटी बिस्तर पे नहीं थी। तब हम लोग ढूंढने लगे, जब यहाँ नारीबाड़ी शंकरगढ़ इलाहाबाद पूरा घूमने लगे, नहीं मिली। चौथे दिन उसकी मट्टी मिली, बुधवार को 9 बजे, वो 9 तारीख को सुबह मट्टी मिली। तब हम लोग कार्रवाई किए और नारीबाड़ी शंकरगढ़ सगल चौकी में गए, कोई हम लोग को सुनवाई नहीं हो रही है। आज एक हफ्ते, संडे को एक हफ्ता हो गया, हम लोग को कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी बेटी का न्याय मिलना चाहिए, हम उनकी बड़ी मम्मी बोल रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए हम ये चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि हम लोग को न्याय दें। जो न्याय मतलब जो हमारे बेटी को मारा है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, तभी हम लोगों को संतोष मिलेगा, तभी हम लोगों को लगेगा कि हाँ मतलब हमारे बेटी के साथ न्याय हो रहा है। आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल गांव में किसी और बेटी के साथ होगा तो क्या करेंगे। सर मुझे न्याय चाहिए। अपना परिचय दीजिए। राजकुमारी जायसवाल, मैं रिया जायसवाल की बड़ी मम्मी हूँ। अगर हमारे घर के बच्चे हमारे घर में ही नहीं सेफ हैं तो सेफ कहाँ पे हैं? हम लोग कहाँ पे लेके जाएं अपने बच्चों को, कहाँ पे रखें? हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चों के साथ जैसा भी बर्ताव हुआ हो, जो भी किया हो, जैसा भी किया हो, हम लोग चाहते हैं हम लोगों को जनता के हवाले कर दें, हम लोग उनको सजा देंगे। उनको भी पता चलना चाहिए कि जैसे हमारे बच्चे को कष्ट हुआ है उनको भी कष्ट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। अगर वो उनको छोड़ दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे? अभी तो एक कल के साथ के कल के भी पूरे गांव में जो सारे बच्चे भी हैं, इनको हम अब सुरक्षित पाएंगे? अपना परिचय दीजिए। खाई खाई जा पापा अफगान बैठे बिछे रोज बैठे रहे तो कहा कि नहीं काका कहा रही खाए काका यही कि पापा का टेप खाना हम कहा चाहिए भैया जहाँ से पापा का फिर भैया हम अंगाई लाग गए पढ़ा रहा एक के बाद माँ मानो हम ही नहीं जान कि 9 बजे निकली थी 9:30 बजे, लेकिन 2 बजे निकलिया हम 1:30 बजे फिर घर में नहीं रहे। आप मुख्यमंत्री जी से क्या उम्मीद रख रहे हैं पोती के लिए? हम ये उम्मीद रख रही थी कि दुश्मन को पकड़ के दंड दिन जाए और न्याय मिले, हमको न्याय मिले चाहिए। जे जे सही है भाई पकड़ जाए, जैसे आप नहीं करे तो आपका ना मिले चाहिए, ये गलत करे तो नहीं दंड मिले चाहिए सब लोग। हाँ यही दंड मिले चाहिए सर। अपने परिचय बताइए। हम लक्ष्मी नारायण जायसवाल। 6 तारीख को रात 10 बजे की बात है, उसके बाद से हमको लगभग 9 तारीख को सुबह 6 बजे हमारी बच्ची की बॉडी बरामद। मौके पे SI संतोष सिंह, CO 12 संतोष सिंह और
फॉरेंसिक टीम लाया, अपनी जांच स्क्वाड आया, अपनी जांच पड़ताल की, क्या कैसे बॉडी हमारी फॉरेंसिक में चली गई। रिपोर्ट भी अभी हमको मिली नहीं है कुछ खास हमारे घर के परिजनों का, और केवल हमको पुलिस प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है, कोई कार्यवाही नहीं मिल रही है कि कोई कार्यवाही की गई है, कि उन्होंने हमको कोई जानकारी दे कि नहीं हम कुछ मामले में आगे बढ़े हैं, कोई जानकारी हमको मिली, कोई जानकारी हमको दी नहीं जा रही है। यहाँ तक कि उनके पास पीएम रिपोर्ट भी आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसके बारे में भी उन्होंने अभी तक हमको कोई जानकारी, हमने उनसे पूछा भी कि सर क्या निकला है उसमें, किस प्रकार से हत्या की गई है मेरी बहन की, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। पर जिस हिसाब से हमने बॉडी हम ही ने निकाली थी तालाब से, तो शरीर को देखकर लग रहा था उसके साथ बहुत अत्याचार किया गया है, बॉडी के साथ मारपीट, जिस हिसाब से चोटें दिख रही थी, हमारे बच्चे के साथ मारपीट हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि जो आपकी बहन के साथ घटना घटित किया है उसमें आरोपी कितने लोग रहे होंगे? जी कम से कम 3 से 4 लोगों का काम है, 4 लोगों से कम की बात नहीं है, 4 से 5 हो सकते हैं, 1-2 नहीं कर सकते, ये भी नहीं अज्ञात में है, जानकारी तो होगी, प्रशासन करेगा नहीं करेगा यहाँ तो हम आगे जाएंगे, यहाँ नहीं सुनेंगे तो हम एसपी साहब के पास जाएंगे, वहाँ नहीं सुनेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। यह घटना की वजह क्या समझी जा सकती है? यहाँ पे कोई आप लोगों की पुरानी पारिवारिक दुश्मनी रही या किसी से या कोई विवाद रहा हो? जी हमारी कभी किसी से कोई विवाद नहीं था, हम सब बनिया वर्ग के लोग हैं, अपने काम से मतलब रखते हैं, सब नौकरी करने वाले लोग हैं, हम बाहर रहते हैं 5-6 सालों से, हम आते हैं महीने में शायद 2 से 4 दिन के लिए घर आते हैं, उतने में हम किससे दुश्मनी करेंगे, किसी से बातचीत करेंगे, अपने घर के साथ परिवार के साथ समय बिताते हैं, फिर चले जाते हैं काम पे। बताइए उस बच्ची की किसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी, उसकी सगाई हो चुकी थी। जा रहा है जी, आरोपियों पे जा रहा है जी, शक तो अभी हमको किसी के ऊपर नहीं है, अज्ञात में है, वो शक नहीं कह सकते, किसी का नाम नहीं ले सकते हम, शक है भी तो भी हम नाम नहीं ले सकते उसका, कि क्या हो सकता है वो निर्दोष हो, किसी का नाम ऐसे तो हम नहीं ले सकते, लेकिन हाँ हमारे आस पड़ोस के लोगों का हाथ है इसमें, जिसने भी किया है, हाँ हो सकता है वो ना रहा हो या फिर उसने कोई बातचीत बताई हो, कोई लोकेशन दिया हो, कोई जानकारी दी हो कि हाँ बच्ची इस टाइम पे यहाँ टहलती है, भाई किसी ना किसी प्रकार से जानकारी दी गई तभी तो उनको पता चला कि हमारी बच्ची इतनी समय पे यहाँ टहलती है। आपको सूचना क्या दिया गया जो 3 लोगों को उठाया है यहाँ पे थाने से, जी उनसे क्या बयान मिला है? जी अभी तक तो हमको कोई जानकारी नहीं दी गई इस बारे में कि क्या बयान दिया है उन्होंने, क्या बात बताई है उनको। आप इंस्पेक्टर साहब से कब मिला आखिरी बार? इंस्पेक्टर साहब से कल रात को हमारे पास वो आए थे, लगभग रात 11:30 बजे, हमसे उनसे पूछा अभी कि सर CDR के लिए अप्लाई किया था अभी तक आई कि नहीं आई, तो उन्होंने कहा CDR आ जाएगी, आज नहीं तो कल आ जाएगी, आज लगभग 2 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, कल सुबह हम मिले थे CO 12 संतलाल सरोज थे और यशो साहब शंकरगढ़ थे, तो उन्होंने कहा था कल शाम को ही आ जाएगी रिपोर्ट, तो कल शाम को भी उनके पास रिपोर्ट आई नहीं बता रहे थे, अब आज तो उनसे कोई बातचीत हमारी हुई नहीं है, जैसा भी होगा वो तो हमको बताएंगे ही, नहीं बताएंगे तो हम आगे पूछेंगे, कोई ना कोई तो हमको जवाब देगा ना। क्या आपको उम्मीद है इंस्पेक्टर साहब थाना शंकरगढ़ से या CO 12 से या SP जमुनापार से? जी जिस हिसाब से इनकी कार्रवाई हो रही है, केवल हमको केवल आश्वासन है इनसे, और किसी प्रकार की कोई रिजल्ट दे, ये कोई जानकारी दे हमको, नहीं हाँ हमको एक कदम हमने आगे बढ़ाया है इस ओर, कोई जानकारी नहीं है, जैसे एकदम से मान लीजिए कि अगर आपको कोई जानवर मार के फेंक दिया अगर गया, आपको प्रशासन से उम्मीद नहीं लग रही तो आगे शासन से आप क्या उम्मीद रख रहे हैं? जी शासन से उम्मीद तो यही कि हम उनके पास जाके गुहार लगाएंगे, जैसा भी होगा वो हमारे साथ उचित न्याय तो करेंगे ही, ऐसा तो है नहीं कि बेटी हमारी है तो उनकी नहीं है, हमारी बेटी है तो उनकी भी तो बेटी है, वो हमारे साथ न्याय करेंगे ना, वो हमारे साथ न्याय तो करेंगे ही जो भी होगा, जिसने भी किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि उसके साथ जो भी हो सके उचित न्याय वो हमको दिया जाए और उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसे नहीं छोड़ा जाए उसको। हमारा जी हमारा नाम देवेश जायसवाल है, रिया जायसवाल के बड़े भाई हैं, ग्राम का नाम जूही बड़ी।